वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज विद्या गुप्ता। आई होप पीपल आर डूइंग गुड। सो आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक शॉर्ट मूवी शॉर्ट फिल्म शूट करने वाले हैं जिसका थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अभी मैं अपना मेकअप करवाने आई हूँ राजश्री रानेटी में, तो फटाफट से अभी मेरा मेकअप होगा और आज फुल डे शूट होना है। और लेट्स होप कि बहुत कुछ, क्योंकि कहानी थोड़ी अलग सी है, क्योंकि इस कहानी में क्या है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी एंड मुझे सुसाइड करना है, तो Hopefully अच्छा होगा। So guys, आज का ये मेरा मेकअप है, थोड़ा सा बहुत वियर्ड लग रहा है, मुझे खुद ही देख के इतना ज्यादा वियर्ड लग रहा है एंड पता नहीं अभी देख के आंसू आ रहे हैं, तो आज शूट करने में इजी होगा मुझे। सो व्लॉग इज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज एंड तक आप लोग बने रहिए। सो दिस इज इट, आई एम डन विद माय मेकअप, कुछ अलग सा है, डन बाय राजश्री मैम, सुपर टैलेंटेड राजश्री मैम। तो मेकअप डेफिनेटली हम लोग करते हैं अच्छे दिखने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सा सीन हो रहा है और फटाफट से मैं जा रही हूँ क्योंकि शूट के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो आगे का व्लॉग में आप लोग बने रहेगा आगे का शूट देखने के लिए। बाय कृष्णा, हाय कर दो। एक शॉट लेने के लिए इतने सारे एफर्ट्स, कितने सेकेंड्स का शॉट है? 20 सेकेंड्स हाँ, बस उतरना ही तो है मुझे। फेस रिवील के बाद 20 सेकंड का, ये 5 सेकंड का। 5 सेकंड के शॉर्ट्स के लिए हम लोग 20 मिनट से कर रहे हैं ना सेटअप। ब्लू लाइट डालनी है। सो गाइस, ये है आदित जो आज मेरे रिक्शे वाले बने हैं। अच्छे से दिखाओ और क्या, रिक्शे पे मेरा रिक्शा वाला, अच्छे से छोड़ना मुझे कोचिंग क्लास, ठीक है? 1 बजे तो लगा दो रिक्शा वाला छोड़ के जा रहा है कस्टमर को अपने। मैं निरहुआ थोड़ी ना हूं। निरहुआ क्या होता है, व्हाट इज निरहुआ? सो अभी हमने एक शॉट ले लिया है और अब सेकंड शॉट लेने के लिए हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। एंड अभी तक का तो शूट अच्छा हुआ है, बाकी अभी कोचिंग क्लास में जो शूट होने वाला है जहाँ पे लोग मुझे बुली करने वाले हैं, तो वहाँ का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे भी ब्लॉग में बने रहिएगा आप। बाय। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं सेकेंड लोकेशन पे, ये सेकेंड लोकेशन है, कोचिंग क्लास में शूट होने वाला है। हमारे डायरेक्टर बहुत ही परेशान है, हमने शॉट सोच लिया है। सो यहाँ पे हमारा कोचिंग वाला सीन शूट हो रहा है और अभी एक ही सीन के इतने सारे शॉट्स, इतने सारे टेक्स होंगे, कर कर के हमारी भी हालत खराब होगी। अभी हमारा लंच टाइम हो चुका है, लंच में हम छोले भटूरे खाने वाले हैं। सो अगेन सेटअप इज गोइंग ऑन, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। लाइफ अंडर फार्मेसी के टाइम हमने कुंभ से कराया था, कुंभ से भी, लोकल से भी, सोशल से भी। हाँ मैम, हाँ पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं हमारे रिक्शे वाले, अलग ही एक्सपीरियंस है। शूट देखने के लिए सारी भीड़ रेडी है, रिक्शा वाला इज ऑन कॉल, डोम पे कुछ शूट करना है उसी के लिए कॉन्वर्सेशन चल रही है 1 घंटे से।
अभी हम खुसरूबाग के साइड आ चुके हैं। आज ई रिक्शा में मैं पूरा शहर ही घूम रही हूँ। चौक हो गया, स्टेशन के पास आया, अभी खुसरूबाग के पास आए। तो इस लुक में ई रिक्शा में पता नहीं चंद लोग वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों के आ चुके हैं। ये गाना मेरे लिए बज रहा है। कुंभ भाई को तब तक ट्रेन हो जाना चाहिए था पूरा रिक्शे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैमियो हो रहा है मेरा भी, दिव्या के इंस्पेक्टर मुझे पीछे खड़ा हुआ है। देख भैया शक्तिमान ना बन जाना। सो गाइस पूरा शॉट हो चुका है, अभी हम लास्ट शॉट के लिए बस अभी यहाँ फिर से उसी लोकेशन पे वापस आ चुके हैं जहाँ पे मेरा सुसाइड सीन होने वाला है। अभी उसी की प्रिपरेशन हो रही है, बाकी सब लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थके, मैं खुद भी बहुत ज्यादा थकी हूँ। सच में जो अभी प्राण अभी निकालने हैं हम लोगों को, यहाँ पे प्राण निकालने वाली हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो अगर आपको वो प्राण निकालने वाला मतलब सुसाइड कमिट करने वाला सीन देखना है तो उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, तो जिसका लिंक मैं डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन करूंगी। आंटी आंटी अभी स्टार्ट नहीं है। आपको ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग को बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, हेक्टिक था लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया, एंड होपफुली आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।